आज हम क्लास 11th की हिंदी बुक आरोह भाग फर्स्ट का चैप्टर 12 मीरा के पद है उसके प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है? मीरा कृष्ण की उपासना अपने पति के रूप में करती है। उसका कहना है कि गोवर्धन को धारण करने वाले शक्तिशाली पुरुष जिनके सिर पर मोर पंख का मुकुट है अर्थात श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं। श्री कृष्ण शक्तिशाली भी हैं और सुंदर भी है। इसमें यह बताया है कि मीरा जो है वो उस कृष्ण की उपासना करती है कि जिसने गोवर्धन पर्वत को धारण करा हो, सब में वो शक्तिशाली पुरुष है, जिनके सिर के ऊपर मोर पंखों का बना हुआ मुकुट लगा हुआ है और उन कृष्ण जी को ही वे अपने पति मानती है कि जो कृष्ण सिर पे मोर मुकुट धारण किए हुए हैं सबसे शक्तिशाली हैं, सबसे सुंदर हैं और गोवर्धन को धारण करने वाले हैं वही मेरे पति है, ये मान करके वो उनकी उपासना करती है। इस रूप को अपने मन में और आंखों में वो बसाए रखती है। अगला क्वेश्चन, भाव शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। देखो बच्चों, जब ये प्रश्न आता है भाव है शिल्प सौंदर्य का, तो भाव में तो अपन को वो लिखना है कि इस कविता में क्या भाव है, क्या विचार है वो लिखना है, और शिल्प सौंदर्य है कि इसमें कौन सी भाषा है, कौन सी अलंकार है, कौन से छंद है, तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अश्वन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, अब तक बेली फैल गई आनंद फल हुई। यानी इसमें दो पंक्तियां दी गई है और इन पंक्तियों के आधार पर इनका भाव सौंदर्य और शिव सौंदर्य बताना है। भाव सौंदर्य, इस पद में भक्ति की चरम सीमा है, विरह के आंसुओं से मीरा ने कृष्ण प्रेम की बेल बोई है, अब ये बेल बड़ी हो गई है और आनंद रूपी फल मिलने का समय आ गया है। इसमें ये भाव व्यक्त हुआ है, मीरा कहती है कि मैंने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए उनका विरह झेला है और जो कृष्ण जी मीरा को नहीं मिलते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आते हैं और आंसू से कृष्ण प्रेम की जो बेल है वो उसने बोई है। जिस तरह से अपने बेल में पानी देते हैं तो वो बड़ी होती है, तो यहाँ पर मीरा के जो आंसू है ना वो तो पानी का कार्य कर रहे हैं और कृष्ण का जो प्रेम है वो है कि बेल है, तो वो कहती है कि मैंने मेरे आंसू से कृष्ण के प्रेम की जो बेल है वही है, अब ये बेल बड़ी हो गई है और आनंद रूपी फल मिलने का समय आ गया है। यानी मेरा जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वो मेरा अब फलित हो गया है और अब मुझको उसके फल मिलने वाले हैं, यानी श्री कृष्ण का मुझे साकार होने वाला है, अब श्री कृष्ण जी मुझे मिलने वाले हैं। शिल्प सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य में मैंने अभी आपको बताया था कि भाषा और इसके जो अलंकार है वो बताएं। इसमें भाषा मधुर है, संगीतमय और राजस्थान मिश्रित भाषा है। सिंची सिंची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रेम बेली आनंद फल अंशुंजल में रूपक अलंकार का बहुत ही कुशलता से प्रयोग किया गया है। यानी मीरा की भाषा है बहुत अच्छी है, संगीतमय है यानी उसको गाया जाता है, और मीरा राजस्थान की मेवाड़ की थी तो उसकी भाषा में राजस्थानी का भी पुट है। सिंची सिंची, सिंची सिंची शब्द दो बार आए हैं तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पुनर प्लस उक्ति यानी वो बात दोबारा आना, सिंची सिंची दोबारा आ गया तो इसमें पुनरुक्ति अलंकार है। प्रेम बेली आनंद फल अंशुंजल इनमें रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार की एक पहचान तो ये होती है कि जैसे प्रेम और बेली के बीच में डैश दिख रहा है ना योजक चिन्ह, तो ये लगा हुआ होता है, और जैसे प्रेम के ऊपर बेल का वो आरोप कर दिया, तो जिस चीज के ऊपर आरोप कर दिया जाता है वहां पर भी रूपक अलंकार होता है। तो पुनरुक्ति प्रकाश और रूपक अलंकार का बहुत ही सुंदर रूप से मीरा ने चित्रण किया है। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से विलोई, दधी मथी घृत काढ़ लियो डारी दही छोड़ी। इसमें मीरा क्या कहती है कि दूध की मथनियों को मैंने प्रेम से विलोया है और दही को मथा है और घी को निकाल लिया है और नीचे जो छाछ बची है उसको मैंने छोड़ दिया है। यानी मैंने श्री कृष्ण जी से प्रेम किया है और जो सार की बातें थी वो जो इसमें घृत है यानी घी है वो सार है, उस चीज को तो मैंने ग्रहण कर लिया और जो छाछ यानी नीचे जो घी के नीचे जो छाछ है और चीज बचती है उसको मैंने छोड़ दिया। यानी संसार में जो मोह माया होता है उस सबको मैंने छोड़ दिया है। भाव सौंदर्य, इन काव्य पंक्तियों में कवियत्री ने दूध की मथाने से भक्ति रूपी घी निकाल लिया,
तथा सांसारिक सुखों को छाछ के समान छोड़ दिया। इस प्रकार उन्होंने भक्ति की महिमा को व्यक्त किया है। मीरा कहती है कि मैंने भक्ति रूपी जो घी है उसको तो निकाल लिया और छाछ को सांसारिक सुख माने कि जैसे घी निकाल के उसका तो अपन प्रयोग कर लेते हैं, छाछ है वो पशुओं को पिला दिया या किसी को दे दी, तो क्योंकि उसमें ज्यादा गुण नहीं होते तो सांसारिक जो सुख है उनको छाछ के समान छोड़ दिया। तो इस प्रकार मीरा की भक्ति व्यक्त हुई है। शिल्प सौंदर्य भाषा मधुर संगीत में और राजस्थान मिश्रित भाषा है। दधी घृत आदि तत्सम शब्द हैं। घी और छाछ प्रतीकात्मक रूप से लिए गए हैं। तो मीरा की भाषा है मीठी है, ये इनके पद गाए जाते हैं। राजस्थानी भाषा का भी इसमें मिश्रण है। दधी का अर्थ होता है दही, घृत का अर्थ होता है घी, ये तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द दधी और घृत दो है। तत्माना उसके सम्माना समान, यानी संस्कृत के जो शब्द है उनका झुमका त्यों प्रयोग कर लिया जाता है वो तो होते हैं तत्सम। और तन दो ये थोड़ा सा उसका बिगड़ा हुआ रूप है, जैसे दधी ये तत्सम है और दही है वो तद्भव है, घृत तत्सम है और घी है वो तद्भव है। घी और छाछ प्रतीकात्मक रूप से लिए गए। यहाँ घी किसको बताया है? भक्ति को, और छाछ है वो सांसारिक के सुखों को। तो ये प्रतीकात्मक रूप से इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? बावरी यानी पागल, यानी किस आधार पे लोग ये कहते हैं कि मीरा तो बावरी हो गई है, पागल हो गई है। लोग मीरा को बावरी इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने अपने घर परिवार को त्याग कर श्री कृष्ण के प्रेम को एकमात्र अपने जीवन का आधार बनाया। वह साधु की संगति में कृष्ण के जीवन का वृतांत सुनती है। उसने अपने ससुराल की कुल व मर्यादा की चिंता नहीं की तथा नाचने गाने में भी संकोच नहीं किया। उसने रिश्ते नाते को त्याग कर श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया है। मीरा थी वो कृष्ण के प्रेम में इतनी पागल हो गई कि उसने अपने घर परिवार को त्याग दिया और अपने जीवन का जो आधार है वो कृष्ण माना कि मेरे तो सब कुछ है वो श्री कृष्ण ही है। वो साधु के पास जाती, श्री कृष्ण जी से संबंधित बातें सुनती, उनकी ससुराल की जो मर्यादा थी, कुल की जो मर्यादा थी उनकी वो बिल्कुल भी चिंता नहीं करती। जब संतों के पास जाती, श्री कृष्ण जी का वर्तमान सुनती तो उसमें वो बदमस्त होकर के नाचने भी लगती, उसको कोई संकोच नहीं था। वो कहती थी कि मेरे रिश्ते नाते किसी से नहीं है, मेरे तो है वो सब कुछ श्री कृष्ण ही है, इसलिए मुझे कुल की कोई चिंता फिक्र नहीं है। तो कुल मर्यादा को छोड़ करके वो श्री कृष्ण जी की भक्ति में लीन होगी और सब कुछ श्री कृष्ण को ही मानती थी कि मेरे तो श्री कृष्ण जी है वो पति हैं, कृष्ण के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन, विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हंसी, इसमें क्या व्यंग्य किया है? विष कहते हैं जहर को। जहर का प्याला राणा ने जब भेजा तो मीरा ने उस जहर को भी हंसी यानी खुशी के साथ पी लिया, क्योंकि मीरा को भी विश्वास था कि मेरे तो कृष्ण जी हैं वो सब कुछ है, मुझे कुछ भी नहीं होने वाला, चाहे मुझे जहर अगर मैं पी भी लूंगी तो मेरे कुछ नहीं होगा। और दूसरे अर्थ में कि अगर मेरे पास विष का प्याला आया है तो मैं पी करके आसानी से श्री कृष्ण जी को प्राप्त कर सकती हूँ। मीरा की कृष्ण भक्ति के कारण उसके पति परेशान रहते थे, उन्हें अपने कुल की मर्यादा खतरे में मालूम पड़ती थी, अतः उन्होंने मीरा को मारने के लिए जहर का प्याला भेजा और मीरा ने भी उसे हंसते हंसते पी लिया। परंतु कृष्ण भक्ति के कारण जहर मीरा का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इस तरह यहाँ पर विरोधियों पर व्यंग्य किया गया है कि वे कुछ भी क्यों न कर ले, ईश्वर भक्ति करने वालों का बाल भी बांका नहीं कर सकते। यानी यहाँ पर विरोधियों पर व्यंग्य करके ये कहा गया है कि विरोधी चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन जिसके पालक ईश्वर हैं श्री कृष्ण जी है, उनका वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो मीरा के पति ने जहर का प्याला भेजा कि मीरा पी करके मर जाए, खत्म हो जाए तो बढ़िया है, हमारी मान मर्यादा है वो खतरे में है। लोग कहते हैं कि देखो आपके घर की बहू है वो कैसे संतों के पास बैठती है, कैसे भजन गाती है, वहाँ नाचती है, तो उनको बड़ा अजीब लगता था क्योंकि उसमें राजपूत औरतें घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, वो पर्दा करती थी, और मीरा ने इन सब कुछ को छोड़ दिया था तो इनके ऊपर सब व्यंग्य कर रहे थे। तो मीरा को जब जहर का प्याला भेजा गया तो उसने भी उसे खुशी से पी लिया, क्योंकि उसको ये विश्वास था
कि कृष्ण भगवान है वो मेरे हैं, मैं श्री कृष्ण भगवान को चाहती हूँ तो वो मेरा बाल भी बांका नहीं होने देंगे। अगला क्वेश्चन, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? मीरा संसार के लोगों की अविवेकता और वेद के सांसारिक मोह माया में पड़कर भ्रमित होने से दुखी है। उन्हें भगवत प्रेम की समझ नहीं है, इसलिए झूठे आडम्बरों तथा विषय वासनाओं में लिप्त है। मीरा ऐसे संसार को देखकर रोती है अर्थात दुखी है। यानी मीरा संसार को देखकर रोती है कि जो संसार के लोग हैं उनमें बुद्धि नहीं है, उनको ये पता नहीं है कि हम इस मोह और माया में क्यों पड़े हुए हैं। उनको भगवत प्रेम बात समझ में नहीं आई है कि जो बाहरी दिखा हुआ है विषय वासनाएं हैं इसमें जो लिप्त रहते हैं ये अपने जीवन को मोक्ष दिलाने में काम नहीं आएंगे। अगर व्यक्ति इन आडम्बरों से विषय वासनाओं से दूर हो जाए और भगवान की भक्ति करने लगे, ईश्वर की भक्ति करने लगे तो उनको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो कृष्ण की भक्त मीरा इस बात को समझ चुकी थी कि इस संसार की विषय वासनाओं में न पड़ करके कृष्ण प्रेम करूं ताकि मेरी इस संसार से मुक्ति हो सके। इसलिए वो संसार के लोगों को देखकर रोती है कि इन लोगों को कुछ पता नहीं है कि हम भगवान की भक्ति करें या विषय वासनाओं में लिप्त रहे। अब है पद के आसपास के जो प्रश्नोत्तर है वो भी मैं स्पष्ट कह देती। क्वेश्चन फर्स्ट, कल्पना करें प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। प्रेम प्राप्ति की राह आसान नहीं होती। मीरा को भी प्रेम प्राप्ति के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। जैसे सर्वप्रथम तो उन्हें घर परिवार का विरोध सहना पड़ा होगा, उन्हें रोकने के अनगिनत प्रयास किए गए होंगे, समाज के लोगों ने भी उस पर टीका टिप्पणी की हो, यहाँ तक कि उन्हें रोकने के लिए मारने के प्रयास भी किए गए होंगे। कहा जाता है कि यातनाओं से तंग आकर मीरा ने मेवाड़ छोड़ दिया और मथुरा वृंदावन की यात्रा करते हुए द्वारका पहुंची और कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। मीरा कृष्ण भगवान के प्रेम में पड़ी हुई थी तो गांव वाले, परिवार वाले, समाज वाले ये नहीं चाहते थे कि मीरा श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहे, तो वो सब उनका विरोध करते थे, तरह तरह की टीका टिप्पणी करते थे, मीरा को रोकने का प्रयास किया, मारने के लिए उसको जहर का प्याला भी भिजवाया गया। तो मीरा इनसे तंग आकर के मेवाड़ को छोड़कर वृंदावन चली जाती है और ये कहा जाता है कि द्वारका पहुँच कर श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाती है। एक युदंती ऐसा भी सुना है कि द्वारका में जो मूर्ति है मीरा उस मूर्ति के अंदर समा गई थी और कहते हैं कि कृष्ण की मूर्ति है उनके बाहर उनकी चुनरी का बल्ला है उसके वो निशानी है, कहते हैं मीरा श्री कृष्ण में एकदम लीन हो गई थी। अगला क्वेश्चन, लोकलाज खोने का अभिप्राय क्या है? लोकलाज यानी संसार में जो शर्म है उसको खोने का क्या अर्थ है? उस समय समस्त राजस्थान में पर्दा पड़ता थी। मुगल शासकों की अय्याशी और अत्याचारों से बचने के लिए स्त्रियां घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। वे ऐसे समाज में मीरा कृष्ण का भजन सत्संग करती गली गली घूमती थी। इसे लोग अर्थात समाज की लाज मर्यादा का उल्लंघन मानकर लोक लाज खोना अर्थात त्यागना कहा गया है। यानी जब मीरा श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थी उसमें राजस्थान में पर्दा पड़ता यानी औरतें घूंघट रखती थी और मुसलमानों का अय्याशीपन और वो हर औरतों पे अत्याचार करते थे तो उनसे बचने के लिए स्त्री घर से बाहर नहीं निकलती थी। तो उस समय मीरा वो कृष्ण जी का भजन करती है, सत्संग करती है, संतों के साथ घूमती है तो इससे लोग यानी समाज की लाज या मर्यादा का उल्लंघन माना गया है। तो ये कहते हैं कि मीरा ने लोक लाज खोई यानी समाज की जो मर्यादा है उसने वो त्यागी थी। अगला क्वेश्चन, मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है? यहाँ अविनाशी ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है क्योंकि वे नश्वर हैं। मीरा के अनुसार प्रभु की भक्ति अगर सच्चे मन से की जाए तो वे सहजता से प्राप्त हो सकते हैं। मीरा ने कृष्ण भक्ति में डूब कर अपने त्याग से कृष्ण प्रेम को प्राप्त किया है। मीरा कहती है कि ईश्वर अविनाशी है, नश्वर जिसका नाश होता हो, अविनाशी जिसका नाश नहीं होता हो। तो श्री कृष्ण जी हैं या ईश्वर है वो तो अविनाशी है, उनका कभी नाश नहीं होने वाला। तो मीरा है वो कृष्ण की भक्त थी और वो कहती है कि सच्चे मन से अगर ईश्वर को
भजा जाए, याद किया जाए, तो उनको प्राप्त भी किया जा सकता है। तो मीरा तन मन धन से श्री कृष्ण भक्ति में डूब गई थी और श्री कृष्ण के प्रेम को उन्होंने प्राप्त भी किया था। अंत में मीरा श्री कृष्ण की मूर्ति में ही लीन हो गई थी। अगला कृष्ण, लोक कहे मीरा भई बावरी, ज्ञात कहे कुल नासी। मीरा के बारे में लोग यानी समाज और ज्ञात यानी कुटुम्ब की ऐसी धारणाएं क्यों है, यानी लोग ऐसे क्यों कहते हैं कि मीरा तो बावरी हो गई है, हैं? और वो कुल का नाश करने वाली है। समाज मीरा के भक्ति भाव को समझ नहीं सका। संसारी ने धन दौलत राजमहल आभूषण 56 प्रकार के भोजन राजसी सुख आदि को सब कुछ माना था। उन्हें छोड़कर मीरा गली में भटक रही है। ये पागलपन ही तो है कि चित्तौड़ में राजमहल छोड़कर मंदिर में रहने लगी, फिर वृंदावन में भटकी और कृष्ण की आज्ञा से द्वारिका आई। इसे लोगों ने पागलपन माना। न्यात ने कहा कि राजघराने का वंश चलाने के लिए मीरा ने सांसारिक धर्म को पूरा नहीं किया, इसलिए मीरा कुल का नाश करने वाली कहलाई। मीरा कृष्ण के प्रेम के सामने संसार को कुछ नहीं मानती थी। यानी मीरा की जो कृष्ण की प्रति भक्ति थी वो लोग नहीं समझ सके। उन्होंने संसार के सारे सुख धन दौलत गहने मिठाइयां रास जो सुख था सब कुछ को त्याग दिया था और उनको त्याग करके वो चित्तौड़ की महारानी थी, वहां के राजमहल को छोड़ करके वृंदावन गई, फिर कृष्ण की आज्ञा से वो द्वारिका आई। इसको लोगों ने उनका पागलपन माना। न्यात यानी कुटुंब के लोग कहते थे कि मीरा यहाँ इस राज परिवार का वंश बढ़ाती, यानी बच्चे पैदा होते हैं वो आगे वंश बढ़ाते हैं, तो मीरा ने तो ये कार्य तो किया नहीं, वो सारे अपने परिवार को कुल को छोड़ करके श्री कृष्ण की भक्ति में लग गई, तो इसलिए मीरा को कुल का नाश करने वाली कहा है। धन्यवाद।